प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर आनंद मोहन सिंह बिल्कुल शरीर की शौर्य वीरता और शरीर के कदम के साथ मंच को सलामी देते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे बेटियों को जीने का अधिकार देना होगा। महिला सशक्तिकरण के बिना समाज तरंगर में बेटी खेलती है। सच तो यह है कि किस्मत वालों को स्पोर्ट्स भवन, तो आइए हम सभी मुजफ्फरपुर बनने की तैयारी और हम सब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में अना अभिषेक के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त झांकी निकाली जा रही है। इससे पहले मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, परेड दी गई है और देख सकते हैं किस तरीके से सलामी भी दी गई है और जो जवानों में काफी उत्साह देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह देखने को मिला है और आप इधर देखिए झांकी निकाली जा रही है, तरह तरह की झांकी निकाली जा रही है और आपको दिखाते हैं किस तरीके से गणतंत्र दिवस समारोह किया जा रहा है। और इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा झांकी निकाली गई है। अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से झांकी निकाली गई है। अलग अलग झांकियां निकाली गई हैं, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीकों से झांकी निकाली गई है। गणतंत्र दिवस समारोह है, इस मौके पर तरह तरह की झांकियां निकाली गई हैं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर बाल विवाह नहीं करूंगी अभी मैं पढ़ूंगी, इसको लेकर झांकी निकाली गई है। तस्वीरों में देखिए बाल विवाह को लेकर झांकी निकाली गई है, बाल विवाह को लेकर झांकी निकाली गई है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री के द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया है। अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं और देखिए किस तरीके से प्रभारी मंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जितने भी अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हो जिले के, सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और आपको बता दें कि झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया है, इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको एक बार फिर बाल विवाह को लेकर झांकी दिखाते हैं हम किस तरीके से झांकी है। और देखिए भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या ना करें, इसको लेकर झांकी निकाली गई है। अलग अलग तरीकों से ये झांकी निकाली गई है। और ये पीछे देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मद्य निषेध को लेकर भी झांकी निकाली गई है। और झांकी में देखिए किस तरीके से झांकी निकाली गई है, मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये झांकी निकाली गई है और उत्पाद विभाग के द्वारा ये झांकी निकाली गई है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अलग अलग झांकियां निकाली गई हैं। वहीं प्रभारी मंत्री के द्वारा संबोधन भी किया गया है, तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रभारी मंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित हमारा शहर मुजफ्फरपुर साहित्य, संगीत और कला की पावन भूमि रही है। साहित्य के शीर्ष पुरुषों में से एक आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री जी की यह कर्मभूमि रही है। महान संगीतज्ञ को लोकप्रिय बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुजफ्फरपुर की धरती को बिहार राज्य का अघोषित संस्कृति राजधानी भी कहते हैं। यह जिला परम से ही साझी संस्कृति का जीवंत उदाहरण रहा है। प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री जी और एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी, पारदर्शी और स्वच्छ और समेकित विकास की संकल्पना को इस जिले में व्यवहारिक स्तर पर उतारा गया है। जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता इसके कार्यों में परिलक्षित होती है। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की बात हो या गांव-गांव तक शौचालय निर्माण कर मर्यादित समाज का निर्माण करना हो, जिला प्रशासन ने बेहतर प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज वन के अंतर्गत जिले के 2 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण राज्य के साथ ODF खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत संकल्पों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वार्डों, पंचायतों में नल जल जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरे ओर नए जल स्रोतों का भी सृजन किया जा रहा है। इस कड़ी में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 840 कुआं, 276 तालाब, 1 अहर तथा 135 पाइप का जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही कुओं और चापाकल के किनारे का निर्माण, सोखता का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। पौधा शाला सृजन
एवं सघन वृक्षारोपण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास विभाग अब तक 5 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उन्नयन हेतु कई योजनाएं संचालित हैं। मदरसा शुद्धिकरण योजना के अंतर्गत औराई मोतीपुर में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में जिले में सभी वृद्ध असहाय महिला दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ पेंशन के माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिले में अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग युवा उद्यमी योजना एवं महिला उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में 4 इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस वर्ष जीविका ने नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए बैग क्लस्टर में बैग निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैग बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से झांकियां निकाली गई हैं, विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई हैं, अलग अलग विभागों के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी निकाली गई है। वहीं जो नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा है उसके द्वारा अलग स्वच्छता को लेकर झांकी निकाली गई है। नारा है स्वच्छ मुजफ्फरपुर और सुंदर मुजफ्फरपुर बनाना है। प्रभारी मंत्री ने कई सारी बातों को कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं प्रभारी मंत्री आपने सुन लिया है। और आपको बता दें कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रभारी मंत्री ने झंडोत्तोलन किया है और कई सारे कार्यक्रम किए गए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।